हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको एक सिंगल कलर की डिज़ाइन बताऊंगी। ये पैटर्न आपको वैसे ही लुक देगी जैसे कि एक बास्केट को देखकर आपको लगता है। एक बास्केट को जैसे बुनते हैं, ठीक वैसे ही ये डिज़ाइन भी लगती है देखने में। ये बहुत ही आसान सी है, सिर्फ दो रो की पैटर्न है। उसी दो रो को बार बार रिपीट करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसमें दो से मल्टीपल फंदे लेते हैं और उसमें एक फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने इसमें दो से मल्टीपल 24 फंदे लिए हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा यानी कि 25 फंदे पर यह डिज़ाइन बताई हूँ। सबसे पहले फर्स्ट रो, पहला फंदा सीधा उतार लेते हैं और फंदे को आगे कर लेंगे। फिर उल्टे उल्टा जैसा बुनते हैं वैसा ही एक फंदा फिर उतार कर फंदे को पीछा कर लेते हैं और इन दो फंदों में अब डिज़ाइन शुरू करते हैं। देखिए, पीछे की ओर से सेकंड वाले फंदे में सिलाई डालकर एक सीधा बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदे में पीछे की ओर से ही। थोड़ी सी टाइट है, पीछे की ओर से ही सीधा बुनकर दोनों फंदों को गिरा लेते हैं। फिर से अगले दो फंदों में ऐसे ही बुनेंगे, पीछे वाले यानी कि दूसरे फंदे को पहले एक सीधा पीछे की ओर से बुन लेंगे और फिर पहले वाले को पीछे की ओर से एक सीधा बुन लेते हैं। दोनों को एक साथ गिरा लेंगे, पूरी सिलाई सीधी तरफ से ऐसे ही बुन लेते हैं। इस तरह से पूरी रो बना लेंगे, दो दो फंदे। बस जैसे बुन रही हूँ आप ध्यान से देखकर पीछे की ओर से ही पहले दूसरे वाले को फिर पहले वाले को बुनकर पूरी सिलाई बुन लेते हैं। ये पैटर्न आप हाफ स्वेटर में भी दे सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगी। या स्पेशली इस पैटर्न से अगर आप बुक होल्डर्स बनाएं, जैसे कि टेबल पर रखने के लिए बुक्स के होल्डर बनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी दिखती है। वैसे आप इसे किसी भी स्वेटर में डालें, बच्चों के फ्रंट ओपन में या जेंट्स के हाफ स्वेटर में या कार्डिगन्स में भी डालें, हर स्वेटर में ये डिज़ाइन छोटी छोटी जचती है। इस तरह से पूरी सिलाई बुनकर लास्ट के एक फंदे बस सीधे होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब सेकेंड रो में दो फंदे को उल्टे से उतार लेते हैं, एक और दो फंदे को उतार लेंगे और अगले दो फंदे में पहले दूसरे वाले फंदे में उल्टा बुनते हैं और फिर पहले वाले फंदे में उल्टा बुनते हैं। वैसे ही आगे भी दो दो फंदों में बुनते जाएंगे। पहले दूसरे वाले फंदे में उल्टा बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदे में उल्टा बुनते हैं। पूरी उल्टी सिलाई इसी तरह से बुनते जाएं। बस ये सिंपल सी डिज़ाइन है, सिर्फ इसी दो रो को बार बार रिपीट करना है। सीधी तरफ से जैसा पहला फर्स्ट रो में बताया था वैसे सीधी तरफ से बुन लेंगे और उल्टे तरफ से अभी जैसे बता रही हूँ पूरी सिलाई बुन लेंगे। रिटर्न पैटर्न के लिए आप मेरे ब्लॉग शिल्पी गारमेंट्स पर भी ज़रूर विज़िट करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। उसमें बहुत से पैटर्न मैंने लिखकर अच्छी तरह समझाए हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और शेयर भी करें। ये लास्ट वाले एक फंदे को यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। बस ये पैटर्न पूरी कंप्लीट है। मैं हमेशा अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरी अपलोड करने की समय सुबह 8 बजे है। वीक में लगभग 3 या 4 वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।